गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। लास्ट टॉपिक जो हमने किए हैं दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। ठीक है जी। अब जो ये मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, देखिए मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला इज यूज टू फाइंड द मिड पॉइंट। पहली बात तो ये होगी, मान लीजिए कोई लाइन ए बी है एंड पी अगर उसका मिड पॉइंट है, ठीक है जी, पी अगर उसका मिड पॉइंट है तो हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि पी के कोऑर्डिनेट आपके क्या बनेंगे, ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है यहाँ पे एक्स वन कमा वाई वन एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके एक्स टू कमा वाई टू। इज दैट क्लियर? क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है जी। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज योर इनिशियल पॉइंट, दैट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इज दैट क्लियर? एंड पी इज योर मिड पॉइंट। तो हमें फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? दैट इज योर मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला, वो सेक्शन फार्मूला में हमने क्या किया था, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। ठीक है जी। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला कैसे आया, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे आया, देखिए जो ये पी पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है मतलब पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन हो गया, मतलब वो लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो वन रेशो वन, पूरे बराबर पार्ट, मतलब ये ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। क्लियर? अब हम कैसे डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को, ये भी देख लीजिए, ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो यहां पे मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो देखिए पी पॉइंट निकालना है मुझे, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा मैं पहले। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, एम ऑफ एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम ऑफ वाई टू प्लस एन वाई वन होल अपॉन क्या, इनके एक्स हिस्सा में भी एम प्लस एन है अपॉन में और यहां पे भी क्या है एम प्लस एन। अब देखिए एक्स टू एक्स वन सेम है, बस एम और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेशियो कितनी है, वन रेशियो वन। जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं सिर्फ अभी आपको, आपने क्या करना है, एम की जगह वन पुट कर दिया तो क्या बन गया, और एन की जगह भी वन पुट कर देना, वन प्लस वन कोमा वन इंटू वाई टू वन इंटू वाई वन वन प्लस वन, दैट इज, जो कि सॉल्व करके हमारा क्या बन जाता है, एक्स एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू कोमा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू, जिसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो देख लीजिए यहाँ क्या किया मैंने, वही जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का मैंने आपको कंसेप्ट करा रखा था, क्वेश्चन करा रखा था, सेम वैसे ही किया, बस एक्स यहाँ कोऑर्डिनेट तो थे नहीं, जनरल फॉर्म जनरल कोऑर्डिनेट थे, बस उनमें मैंने वैल्यू डाल के आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब इससे रिलेटेड करेंगे हम क्वेश्चन। मान लीजिए अगर मुझे क्वेश्चन आता है फाइंड द मिड पॉइंट, इज दैट क्लियर? देख लीजिए अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट। ठीक है जी, आप बोल सकते हैं, मतलब मुझे पूछिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है जी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने कर लिया, अब इससे रिलेटेड सॉरी टॉपिक हो गया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द मिड पॉइंट of a line joining, find the midpoint of a line joining, line joining क्या है, 3 कोमा माइनस फाइव एंड माइनस 3 कोमा फोर। ठीक है जी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 कोमा माइनस फाइव एंड माइनस 3 कोमा फोर। चलिए सोल्यूशन निकालते हैं।
तो सबसे पहले पॉइंट जो गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर 3, -5 एंड -3, -4। तो देखिए ये बन गया आपका x1, ये बन गया आपका y1, ये बन गया आपका x2 एंड दैट इज योर y2। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। चाहे डायग्राम से समझना तो डायग्राम से ना आते, डायग्राम भी ए बी आपकी कोई लाइन होगी जिनके पॉइंट क्या है 3, -5 डिनोशन दे देनी आपने, ठीक है जी। एंड पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है जी। तो जब पी पॉइंट फाइंड करना है हमने, पी के कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड करने हैं वो x, y मान लिए। लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x1 + x2 3 - 3 एंड -5 + 4 जो कि सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है 0, -1/2 0, -1/2 डेट इज योर आंसर। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, क्या फाइंड करना था हमने, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग उस लाइन का मिड पॉइंट जिनके कहाँ से बन गया वो लाइन, इन पॉइंट से 3, -5 एंड -3, -4। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स लिखे और डिनोशन यहाँ देखिए मैंने x1, y1, x2, y2। फिर डायग्राम ड्रॉ करा, ठीक है। पी पॉइंट इज योर मिड पॉइंट, तो पी ऑफ x, y इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 + y1 + y2 / 2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए, वैल्यू पुट करते हैं 3 - 3/2 - 5 + 4/2, ठीक है जी। तो जो कि यह सॉल्व करके एक्सिस आ गया आपके मिड पॉइंट का 0 एंड ऑर्डिनेट आ गया आपका -1/2। इज दैट क्लियर? चलिए मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या है हमारे पास। 3 consecutive vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम, 3 consecutive vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम, 3 consecutive vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम का नाम क्या है ABCD, आर 3 vertices होते रखी हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, लगातार मीन्स अगर ए दे रखा है फिर बी फिर सी, ठीक है। ए इज योर 3, 0, बी इज योर 5, 2 एंड सी इज योर -2, 6। दोबारा रिपीट करता हूँ, ए इज योर 3, 0, बी इज योर 5, 2 एंड सी इज योर -2, 6। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम देखते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम ABCD। ए कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है कितना 3, 0, बी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 5, 2, सी कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखा है -2, 6, डी फाइंड करना है तो उसको हम क्या मान लेते हैं x, y। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है AB = CD, ठीक है। ये AB और CD के अपोजिट लाइंस आर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, AB = CD होगा और BC = AD होगा।
एक और चीज इसमें होती है कि जो डायगनल्स होते हैं इनके, पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बायसेक्ट। बायसेक्ट कहने का मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस। क्लियर? ठीक है जी, तो यहीं से हम करेंगे। एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है तो इसके पैरेललोग्राम क्या, पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगनल होंगे, डायगनल मीन्स ए सी एंड बी डी बायसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, चलिए डायग्राम मैं स्क्रीन की साइड में बनाता हूं। दैट इज डी, दैट इज सी, दैट इज ए एंड दैट इज बी एंड दैट इज योर डायगनल। ए पॉइंट कितना गिवन है? 3.0। बी इज योर 5.2। सी इज योर -2.6 एंड डी इज योर x, y जो मैंने सपोज करना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जो आपके पास गिवन है? गिवन क्या है? 3 पॉइंट्स गिवन है आपके पास। गिवन पॉइंट्स आर, ए क्या है आपके पास? 3.0। बी इज योर 5.2 एंड सी इज योर -2.6। ठीक है जी, 3.0, 5.2 एंड -2.6। अब लेट करेंगे जो हमने निकालना है। लेट द फोर्थ वर्टेक्स बी, लेट द फोर्थ वर्टेक्स डी बी x, y। इसको कोऑर्डिनेट को हमने डी के कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया। x, y मानने के बाद जो मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बताई वो हम लिखेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? हेयर एबीडी या सिंस लिख के लिख सकते हैं। सिंस ए बी सी डी इज एन पैरेलल, इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो हम क्या लिखेंगे? देन द डायगनल या डायगनल्स, डायगनल्स ही होगा, डायगनल्स ए सी एंड बी डी बायसेक्ट ईच अदर। बायसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं इट मींस ए सी का मिड पॉइंट, क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्लियर? मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाइसेक्ट मतलब वो चारों जो पार्ट हैं जहां पे, जैसे ओ पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब चारों इक्वल हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो देखिए ए और सी पॉइंट का यहाँ पे पोर्शन, ए और सी पॉइंट में मिड पॉइंट करते हैं तो क्या बनता है? 3 -2/2 कोमा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, 0 + 6/2, 3 - 2/2, 0 + 6/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्या है आपके पास? 5 + x/2 कोमा 2 + y/2। अब इन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया? 1/2 और ये आ गया आपका 1/2, 6/2 कितना बना? 3। 1/2, 3 इज इक्वल टू, अब ये कितना बना? x + 5/2। अब यहां पे तो x है तो कैलकुलेशन आपकी, सॉरी टर्म आपकी वैसी रह जाएगी। अब यहां पे वही इक्वेट करने हैं आपने एफ सीसरा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है जी, वहां से आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इफ दैट क्लियर? पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, हमारे पास पैरेललोग्राम था तो उनके डायगनल्स क्या कर रहे हैं? बायसेक्ट कर रहे हैं। बायसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस का जो मिड पॉइंट है, ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है, दैट इज सेम। ठीक है, मीन्स इक्वल। तो मैंने दोनों के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, मतलब ए सी का मिड पॉइंट और बी डी पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के मेरे पास ये टर्म्स आई थी। अब दो बीच में इक्वल टू है, इस तरफ भी पॉइंट है, इस तरफ भी पॉइंट है, मीन्स इसका, इस पॉइंट का एफ सीसा और इस पॉइंट का एफ सीसा क्या होंगे? इक्वेट करेंगे हम उसको,
तो हम लिखेंगे एक्स प्लस फाइव, यहाँ इंप्लाइज लगा देना, एक्स प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, एंड साथ में दूसरा ऑर्डिनेट भी इक्वेट कर दीजिए, वाई प्लस टू अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री. ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू अपॉन टू, कितने हो गए, ये टू आपका शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड गया था, टू अपॉन टू डेट इज वन, मीन एक्स कितना आ गया आपका माइनस फाइव प्लस वन डेट इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इज योर माइनस फोर एंड व्हाट इज वाई, वाई आपका बना वाई प्लस टू, टू आपका शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड पे, कितना बन गया टू थ्री जा सिक्स, वाई इज इक्वल टू क्या बना सिक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू फोर. चेक कर लेंगे कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देयरफोर यहां से हमने क्या करा, एक्स और वाई कहां थे, कोऑर्डिनेट थे डी के, देयरफोर फोर्थ वर्टेक्स डी इज माइनस फोर कॉमा फोर. ठीक है जी, प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या लगाई है हमने पैरेललोग्राम की, कि डायगनल दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, डायगनल बायसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, बायसेक्ट कर रहे हैं, बायसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी. क्लियर, दोनों में मैंने मिड पॉइंट का फॉर्म लगाया ए सी के लिए भी और बी डी के लिए, और बी डी का जब मैंने फॉर्म लगाया, देखिए इक्वेशन आपके क्या होगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन और दोनों तरफ एक पॉइंट बन चुका है, इस तरफ भी एक पॉइंट इस तरफ भी पॉइंट, मैंने इनको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करूंगा तभी मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इक्वेट करूंगा तभी मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ एक्स और वाई की. इज दैट क्लियर, जो कि ऑन सॉल्विंग एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर, देयरफॉर फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी इज माइनस फोर कॉमा फोर. तो ये था हमारा क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में ही, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, अब हमारे पास आता है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्लास टेंथ में भी करा होगा उसका फॉर्मूला. ठीक है, नाउ प्लीज बी नोटिस, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करने को बोला जाएगा. अब ट्राइंगल है तो तीन वर्टिसेस दे रखी होंगी, तीन वर्टेक्स इसकी दे रखी होंगी, जैसे हमारे पास पहली वर्टेक्स होगी x1, y1, दूसरी वर्टेक्स होगी हमारे पास x2, y2 एंड तीसरी हो सकती है हमारे पास x3, y3. ठीक है जी, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, चाहे इससे नोट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए एंड इसको सी मान लीजिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, वन बाय टू. अब यहां पे देखिए दो टाइप से आपको फॉर्मूला मैं यहां बताऊंगा. ठीक है, फर्स्ट टाइप तो होगा जैसे यहाँ एक्स वन आ गया, फिर अंदर वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर प्लस x2 आ गया, फिर y3 थ्री माइनस वाई वन, देन प्लस x3 आ गया, यहाँ आ गया आपका y1 वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला होगा. ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले में क्या है, आपने इसको अपने माइंड में रिटेन कैसे करना है, देखिए x आपका बाहर रहेगा हर ब्रैकेट में फर्स्टली, और y रहेगा अंदर. ठीक है, x1 अगर है तो जो अंदर टर्म्स होगी जैसे वन टू थ्री, टू थ्री वन, मतलब वन के बाद क्या आता है टू, फिर टू के बाद थ्री पहला हो गया, फिर जैसे एक्स टू आया पहले एक्स वन होगा फिर एक्स टू आएगा, फिर एक्स टू होगा टू के बाद क्या आता है थ्री, फिर थ्री के बाद उसी फ्लो में रिपीट वन आ गया, फिर थ्री एक्स थ्री लेंगे तो एक्स थ्री के थ्री के रिपीट में फ्लो में क्या आएगा, पहले क्या आया थ्री के लास्ट में तो लास्ट थ्री था, उसके बाद आएगा वन देन टू. अगर आपको ये याद नहीं होता है मान लीजिए, तो आप इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, वन बाय टू लिखिए, तीनों पॉइंट लिखने हैं, तीनों पॉइंट से कॉइन लिखने हैं, यहाँ एक्स वन लिखना है, यहाँ वाई वन, देन एक्स टू देन वाई टू देन एक्स थ्री देन वाई थ्री देन अगेन एक्स वन एंड वाई वन. ठीक है जी, इस फ्लो में आपने ये वर्टेक्स वर्टिसेस लिख देनी है तीनों,
ठीक है जी। सबसे पहले एक्स वन कॉमा वाई वन, फिर एक्स टू और वाई टू, फिर एक्स थ्री और वाई थ्री, थर्ड रो में और फोर्थ रो में कौन आएगा, एक्स वन और वाई वन। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व ऐसे करना है कि सबसे पहले कीजिए वन बाई टू, तो आपका बाहर ही रहा, सबसे पहले कीजिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग यहां से एक्स वन इंटू वाई टू, फिर माइनस, माइनस का साइन लगेगा जब भी आप क्रॉस में करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स टू इंटू वाई वन, पहला ये हो गया। अब पहला क्रॉस मल्टीप्लाई जब हो गया फिर दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई पे आइए और स्टार्टिंग वहीं से इस वाले एरो से स्टार्टिंग होगी, एक्स टू इंटू वाई थ्री प्लस रहेगा बीच में, एक्स टू इंटू वाई थ्री, जब रिवर्स वाले एरो पे जाएंगे तो बीच में माइनस का साइन उससे पहले, देन एक्स थ्री इंटू वाई टू, देन प्लस, अब दोबारा एरो घुमाइए, एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस एक्स वन इंटू वाई थ्री, क्लियर, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस एक्स टू इंटू वाई वन प्लस एक्स वन इंटू वाई थ्री, इज दैट क्लियर। अब सबसे मेन देखिए क्या है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए ये करेंगे इसमें थोड़ा रिटेन आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, इसमें कोई रिटेन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको लिखने का वे पता रहना चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो मोस्टली तो मैं सेकेंड ही यूज करके बताऊंगा आपको क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। अब एक और चीज याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसका फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम यूज करेंगे, देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूं थोड़ा सा। टी अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है जी, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो आ जाए तो मतलब वो तीनों वर्टिसेस जो भी हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, ये तीनों वर्टिसेस क्या होंगी, तीनों वर्टिसेस मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर, देन थ्री पॉइंट्स, वो पॉइंट जिनसे ट्रायंगल बन रहा था वो क्या होंगे, आर कॉलिनियर, पहला पॉइंट तो ये याद रखिए, मतलब क्वेश्चन आपको आ सकता है यू हैव टू प्रूव गिवन थ्री पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है, मतलब आपने तीन पॉइंट्स वो जो दे रखे हैं वो कॉलिनियर हैं या नहीं है वो प्रूव करना है। अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ जाए तो इट मीन्स वो तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जीरो नहीं आता है इट मीन्स वो क्या है, नॉन कॉलिनियर है। अब सेकेंडली आपको कोई भी क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड करने को दिया जा सकता है, ठीक है जी, बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लगाना है, उसमें क्या करना है, क्वाड्रेटल को आपने मतलब ये चारों वर्टिसेस आपको दे रखी होंगी, चारों पॉइंट आपको दे रखे होंगे, चारों पॉइंट जब आपको दे रखे होंगे, चारों पॉइंट जब आपको दे रखे होंगे तो मैंने ये जो बीच में लाइन लगाई है अभी, ठीक है, डायगनली बनाया है, उसमें क्या किया मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, क्या करा, इस क्वाड्रेटल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका अलग एरिया निकाल लूंगा मैं बाय यूजिंग फॉर्मूला और इसका अलग निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पूरे पॉलीगन का मतलब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और याद रखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी हो तो उसको वैसे ही पॉजिटिव बना दीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल वे में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी टॉपिक है, कैलकुलेशन भी इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है जी, हूज वर्टिसेस आर सिक्स कोमा थ्री, वन मिनट, हूज वर्टिसेस आर सिक्स कोमा थ्री माइनस थ्री कोमा फाइव
एंड 4,2। ठीक है जी, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं 6,3 -3,5 एंड 4,2। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों वर्टिसेस लिखिए, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन वर्टिसेस आर, क्या आपके पास 6,3 -3,5 एंड 4,2। अब एक्स वन वाई वन क्या है वो अपने आप डिनोट कीजिए। मैं सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले क्या होता है, पहले पॉइंट के पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा पॉइंट, सॉरी 4,2, फिर तीसरा पॉइंट, फिर आएगा आपका थर्ड पॉइंट, फिर आएगा आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट पॉइंट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1/2 ऐसे ही आ गया अंदर ब्रैकेट, फर्स्ट 6 × 5 = 30, देन माइनस का साइन जो आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, देन ये वाला एरो -3 × -3 = -9। अगेन आगे बढ़ते हैं उसी प्रोसेस में, -3 × 2 - 6, -3 × 2 डेट इज योर -6, 4 × 5 फिर माइनस साइन जो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, 4 × 5 = 20, ये वाला एरो। ठीक है जी, देन एरो आया आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, डेट इज योर 4,3 × 12, देन माइनस का साइन, देन एरो आपका लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड गया, मतलब 6 × 2 कितना बना 12। ठीक है जी, एक बार दोबारा इसको चेक करेंगे, 6 × 3, अच्छा जी हाँ जी, एक यहां पे क्या है साइन माइनस का है, 4,-2, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन में। ये वाला प्रोसेस सही है, यहाँ आगे आपके प्लस के 6, यहाँ आगे आपके माइनस के 12, कितने आगे माइनस के 12। ठीक है जी, 4 × 3 प्लस के 12 और यहाँ पे भी प्लस के 12। ठीक है जी, ध्यान से कैलकुलेशन देखिए, एक माइनस नहीं था उसके हिसाब से कारण आंसर गलत हो रहा था। चलिए लिखिए 1/2 और ये सॉल्व करके मिलता है 30 − −9, 12 + 12 = 24, 24 + 6 = 30 − 20। ऑन सॉल्विंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे 49 + 10, 30 − 20 आपके 10 होते हैं, तो 49 + 10 वो बनते हैं आपके पास 49/2, हाँ जी 49/2। ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट साथ में लिखिए, इज दैट क्लियर, कुछ नहीं है बस कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। ठीक है जी, कुछ नहीं किया उसी प्रोसेस में अपने फॉर्मूला, मतलब जो आपके वर्टिसेस थे वह लिखिए, पहले पहली वाली पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर वाला पहले वाला पॉइंट, और क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब सिंपल आपका फर्स्ट लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, लेफ्ट टू राइट देन माइनस का साइन फिर राइट टू लेफ्ट, सॉरी मतलब ऊपर रखिए बिलो रखिए, मैं तो यहाँ बिलो एरो बोल देते हैं, चलो इसको बिलो एरो, फिर माइनस अबव एरो, फिर प्लस का साइन, बिलो एरो माइनस अबव एरो, और हर उसमें क्रॉस बनते जाएंगे आपके, क्लियर। तो क्रॉस बनाते रहेंगे तो इजी सॉल्वेशन हो जाएगी, या तो फिर आप फॉर्मूला वो याद रख लीजिए, वो भी बहुत इजी है अगर याद रह जाए। तो आपका आंसर कितना आया, दैट इज योर 49/2। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब आपको सेम क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसको लिखिए फटाफट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्टली तो यह है डू इट योरसेल्फ, ठीक है जी होमवर्क के लिए,
हूज वर्टिसेस आर, अब इसमें क्या है, दो पार्ट में दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस क्या है, 5.2, 4.7 एंड 7.-4 एंड 7.-4। सेकेंड पार्ट में है आपके पास 2.3, -1.0 एंड 2.-4, ठीक है जी। 5.2, 4.7, 7.-4, सेकेंड पार्ट में है 2.3, -1.0 एंड 2.-4। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है बोथ पार्ट में, ठीक है जी। दैट इज फॉर योर होमवर्क एंड प्लीज सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू।